हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल टाई अप क्रॉप टॉप। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को रखा है 4 फोल्ड्स में। आपको 1 मीटर ही फैब्रिक लगेगा इसे बनाने के लिए एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 फोल्ड्स में मैंने रख लिया है फैब्रिक को। सो 4 फोल्ड्स के बाद हमें यहाँ पर मिलेंगे 2 ओपन एजेस आप देख सकते हैं एंड 2 फोल्डेड एजेस। पैटर्न ड्राफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपने शोल्डर के साइड पे अराउंड 48 सेंटीमीटर्स यानी कि 19 इंचेस एंड मैं हाइट इसकी ले रही हूँ अराउंड 18 इंचेस यानी कि 45 सेंटीमीटर। सो गाइस, इस तरह हमारा टॉप 1 मीटर फैब्रिक में ही रेडी हो जाएगा। अब मैं नेक विड्थ मार्क कर रही हूँ फोल्डेड एंड पे, जो मैं ले रही हूँ 3 इंचेस। फिर मैं शोल्डर मेजरमेंट डिवाइडेड बाई 2 मार्क कर रही हूँ यानी कि अराउंड 8 इंचेस एंड फिर मैं इसकी टोटल लेंथ ले रही हूँ यानी कि जो हमने ली थी 18 इंचेस। अब चाहिए तो इसे स्क्वायर ही ले सकते हैं 18 to 18 इंचेस का। अब मैं बॉटम पे भी एक स्ट्रेट लाइन बना दे रही हूँ। अब बॉटम पे आपको लेना है अराउंड 10 इंचेस यानी आपका वेस्ट मेजरमेंट डिवाइड बाय 4 + 2 इंचेस, तो मेरा आ रहा है 10 इंचेस, दैट इज 25 सेंटीमीटर्स। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देना है। तो ये ओपन साइड पे इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक स्ट्रेट लाइन में मैं ज्वाइन कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इस लाइन पे हम मार्क करेंगे 8 इंचेस, तो आपको बॉटम साइड से यानी कि ओपन एंड से मार्क करना है 8 इंचेस। फिर बीच में आप लेंगे और मार्क करेंगे 1 इंच अंदर की साइड, 1 इंच यानी कि 2 सेंटीमीटर आपको लेना है अंदर की साइड इस लाइन पे। फिर ऊपर के साइड के लिए हम 2 इंच मार्क करेंगे यानी कि अराउंड 4 सेंटीमीटर बाहर की तरफ। तो हमने नीचे की तरफ लिया है 2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ एंड बाहर की तरफ ऊपर लिया है हमने 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह अब हम ज्वाइन कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स को एक कर्व शेप में। सो आप देख सकते हैं एक एस शेप मैंने बनाया है, रफली कर्व शेप में मैंने ज्वाइन कर दिया है। सो इस तरह से हमने ये पार्ट रेडी कर लिया है। तो ये हमारे साइड का पार्ट है जो हमारे स्लीव्स एंड नीचे की तरफ आएगा। तो अब हम नेक मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच आपने देखा था विड्थ दी थी, अब मैं इसे थोड़ा कम कर रही हूँ, 2.5 इंच ले रही हूँ मैं एंड नीचे की तरफ मैं मार्क करूंगी अराउंड 3 इंचेस। तो यहाँ पर 2.5 इंच मैंने विड्थ ली है एंड 3 इंच मैंने डेप्थ ली है एंड एक राउंड शेप में ज्वाइन कर दिया है। अब फ्रंट के लिए मैं थोड़ा एक एडिशनल शेप दे रही हूँ। तो मैंने 1 इंच मार्क किया है अपनी बॉटम टिप से एंड उसे एक ट्रायंगल शेप में ज्वाइन कर दिया है अपने सर्कल से। तो आप देख सकते हैं ऊपर के सर्कल से मैंने 1 इंच एक्सटेंड करके एक ऐसा शेप दिया है। तो ये हमारी फ्रंट नेक हो गई। अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ राउंड शेप ही कट किया है, पहले हम इसे सेपरेट करेंगे। तो अब हम साइड्स कट कर लेते हैं जो हमने कर्व शेप ड्राफ्ट किया था उस पर एंड इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। अब इसको ओपन करेंगे हम तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो अब तक हमने फ्रंट नेक का शेप नहीं दिया है, तो पहले अब इसे अब डबल फोल्ड कर लेंगे फिर से एक बार एंड क्योंकि हमने बॉटम के साइड नॉच नहीं दिया था तो एक स्मॉल नॉच हम सेंटर की तरफ दे देंगे। सो इस तरह से अब हम फोल्ड करेंगे इसे ताकि इसका फ्रंट पार्ट ही रहे सिर्फ एंड बैक पार्ट पीछे की तरफ कर देंगे पुश। ये हम कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्रंट नेक की शेप की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ ताकि आप देख पाएं एंड इस तरह से हम फ्रंट नेक को कट कर लेंगे। तो अब हमारी कटिंग पूरी हो गई है इस टॉप के लिए। सो इफ हम इसे पूरी तरह अनफोल्ड करें तो फाइनल नेक का शेप कुछ इस तरह दिखेगा। तो इसके लिए हम लाइनिंग फैब्रिक रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू से मैंने जो मार्क किया है वो एक्चुअल शेप है नेक का जो हमने ट्रेस किया था टॉप पे भी एंड 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है लाइनिंग फैब्रिक पे, आप देख सकते हैं हर साइड से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं इस पर प्लेस करूंगी अपने टॉप को। तो आपको जो ओरिजिनल शेप मैंने ट्रेस किया है ब्लू में वहां पे आपने इसकी बाउंड्री रखनी है टॉप पोर्शन की लाइनिंग फैब्रिक पे, राइट साइड्स टुगेदर हमने रखना है इसको एंड पिन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाउंड्री से मैं थोड़ा आधा इंच छोड़ के फिर इसे पिन कर रही हूँ एंड जिस तरह से मैं चौक से मार्किंग कर रही हूँ वहाँ आपने इसे स्टिच लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने 1/2 इंच छोड़ा है बाउंड्री से यानी कि 1 सेंटीमीटर एंड इस तरह आपने स्टिच लगा लेना है। तो स्टिच लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा एंड इसके बाद फिर हम लाइनिंग फैब्रिक का जो मिड पोर्शन है, जो सेंटर पोर्शन है वो हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच छोड़ते हुए ही आपने लाइनिंग फैब्रिक को कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कट कर लिया है इस पे। अब हम जो हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट है वहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉचेस से फिनिशिंग नेक की जो है वो बहुत अच्छी आती है, इसलिए हमने नॉचेस प्रोवाइड किए हैं स्टिचेस से बचाते हुए। सो अब हम इसको लाइनिंग फैब्रिक को अगर हम टर्न करें रॉन्ग साइड की तरफ तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। नेक्स्ट हम टर्न कर लेंगे अपनी लाइनिंग फैब्रिक को रॉन्ग साइड की तरफ। यहाँ पर देखिए रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर लिया है हमने। फिर हम इसे डबल फोल्ड करेंगे, जो हमारे नेक के रॉ एजेस हैं उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे लाइनिंग फैब्रिक में एंड इसके साथ ही हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले आपको रॉ एजेस अंदर लेने हैं एंड फिर इसके बाद डबल फोल्ड करना है लाइनिंग को। तो इस तरह से आपने फिर स्टिच कर देना है दोनों एजेस की तरफ। आपने एज स्टिचिंग करनी है पहले बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ।
तो आप देख सकते हैं हमारी नेक ऐसी कुछ दिख रही है एंड बहुत ही नीट एंड टाइडी फिनिशिंग आनी चाहिए इसकी अगर आप ये मेथड अच्छे से फॉलो कर पाएंगे तो। फिर हम इसके हेम करेंगे साइड, तो आपको साइड्स हेम करने के लिए डबल फोल्ड करना है फैब्रिक को अंदर की तरफ रॉन्ग साइड की तरफ एंड स्टिच कर लेना है। तो ये आपको थ्रू आउट द साइड्स करना है, यानी कि एक एंड से लेकर के दूसरी एंड तक आप डबल फोल्ड करके स्टिचिंग कर लीजिए, या फिर आप इसकी बीडिंग कर सकते हैं। तो बीडिंग से क्या होगा, फ्लोई इफेक्ट आएगा और ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने इसलिए बीडिंग यूज़ की है, लेकिन आप इसे डबल फोल्ड करके रॉन्ग साइड की तरफ स्टिच भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे हेम हो गए हैं ये एजेस। तो अब हम बॉटम के लिए रेडी करेंगे। बॉटम के लिए मैं यहाँ पर एक टाइट टॉप बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने ये स्ट्रिप रेडी की है। बैक साइड के लिए स्ट्रिप बड़ी होगी, उसकी मैंने विड्थ ली है 4 inches एंड जो लेंथ है टोटल वो मैंने ली है अराउंड 66 inches यानी कि 170 सेंटीमीटर। ये है हमारी फ्रंट के लिए स्ट्रिप। फ्रंट की स्ट्रिप छोटी है कंपैरेटिवली, तो उसके लिए मैंने विड्थ ली है अराउंड 2 inches एंड जो लेंथ है हमारी वो मैंने ली है अराउंड 140 सेंटीमीटर यानी कि 55 inches। तो गाइस पहले हम लेंगे छोटी स्ट्रिप फ्रंट साइड के लिए, उसको मैंने हाफ में फोल्ड करके मिड पॉइंट मार्क कर लिया है एंड टॉप का जो मैंने नॉचेस प्रोवाइड किए थे नीचे की तरफ सेंटर में वहाँ उनको पिन कर लिया है राइट साइड्स टुगेदर रख के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने टॉप की बॉटम साइड पे पिन किया है इस छोटी स्ट्रिप को, वैसे ही आपको पिन कर लेना है और फिर जैसे मैंने मार्किंग की है चौक से वहाँ आपको स्ट्रेट स्टिच लगा देना है। तो ये देखिए राइट साइड्स टुगेदर रखकर मैंने स्ट्रेट स्टिच लगा दिया है। अब मैं आयरन यूज़ करके इसे थोड़ी फिनिशिंग दे रही हूँ। आप रॉन्ग साइड लेके जाएंगे तो आपको रॉ एजेस मिलेंगे, तो आपको बाहर की जो ओपन एज है वो आपको हाफ इंच से फोल्ड करनी है एंड फिर उसको रॉ एजेस के ऊपर रख देनी है। तो इस तरह हमने हाफ इंच से फोल्ड किया स्ट्रिप की दूसरी एंड को और उसे स्टिच किए हुए रॉ एजेस पे रख दिया, तो इससे हमारे रॉ एजेस कवर हो जाएंगे। तो अब मैं पिन कर ले रही हूँ इस स्ट्रिप को एंड ऐसे आपने स्टिच करना है इसके ऊपर ही। अब देखिए बाहर के एंड को मैंने हाफ इंच से फोल्ड किया साइड से, फिर दोनों तरफ से आपको आधे आधे इंच से फोल्ड करना है फिर से। और इस तरह देखिए पहले मैं बाहर के एजेस को फोल्ड कर रही हूँ आधे इंच से एंड फिर आपको फिर से एक हाफ में फोल्ड कर देना है स्ट्रिप को। तो ये हो गया हमारी फ्रंट साइड की स्ट्रिप का रेडी, इस तरह से हमने उसे करना है और इसी पे हम टॉप स्टिच करेंगे किनारियों की तरफ। तो जो ओपन एजेस है हमारे साइड पे एंड ऊपर की तरफ वैसे हमें करना है, इस तरफ भी आपको यही करना है। मैं जूम करके दिखा दे रही हूँ, पहले आपको जो बाहर की एज है उसको फोल्ड करना है आधे इंच से, फिर दोनों तरफ से आपको आधा आधा इंच लेके फोल्ड कर देना है एंड फिर आधे में हाफ में फोल्ड करना है स्ट्रिप को। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप रेडी करनी है एंड फिर आपको एक टॉप स्टिच लगा देना है एंड ये फ्रंट स्ट्रिप हमारी अटैच हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ईजी था ये। अब आपको बड़ी स्ट्रिप लेनी है एंड बैक साइड पे प्लेस करना है, सेम मेथड हम फॉलो करेंगे इसमें भी। सो पहले की तरह ही हमने जो बैक साइड पे नॉच प्रोवाइड किया था उसे मैच करना है स्ट्रिप के सेंटर से एंड साथ में पिन कर देना है आधे आधे इंच पे। फिर हम टॉप स्टिच करेंगे इस पे जैसे मैं मार्किंग दिखा रही हूँ राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए एंड देखिए ये स्ट्रिप अटैच हो जाएगी हमारे बैक साइड से। अब मैं आयरन यूज कर रही हूँ इसको थोड़ी बेटर फिनिशिंग देने के लिए फिर से। अब आपको जो बाहर वाली एज है हमारी उसे आधा इंच फोल्ड करना है, स्ट्रिप की बाहर की एज को आधे इंच से फोल्ड करिए फिर उसे रॉ एजेस पे रख दीजिए। तो जैसे हमने फ्रंट साइड पे किया था सेम चीज यहाँ पर करनी है, बस ये स्ट्रिप थोड़ी बड़ी है क्योंकि हम इसे फ्रंट साइड में टाई करने वाले हैं। सो यहाँ हमने टॉप वाले पार्ट पे अटैच कर दिया है स्ट्रिप को। अब जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसकी बाहर की एज आपने फोल्ड की आधे इंच से और फिर दोनों जो साइड वाले पार्ट्स हैं वो भी आपने हाफ हाफ इंच से फोल्ड करने हैं, हाफ इंच यानी कि 1 सेंटीमीटर से आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है इसको जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, फिर पूरी स्ट्रिप को हाफ में फोल्ड कर देना है। तो इससे हमारे सारे रॉ एजेस अंदर की तरफ चले जाएंगे। ये सेम चीज हमने फ्रंट में भी की थी वही हमने यहाँ पर भी रिपीट कर देना है। तो आप देख सकते हैं एंड फिर आपको टॉप स्टिच कर देना है इस पे भी। तो हमें टॉप स्टिच करना है साइड में एंड जो ऊपर हमने रॉ एज प्लेस किया था वहाँ पे। तो इस तरह देखिए हमारी दोनों स्ट्रिप्स अटैच हो गई हैं एंड ये टॉप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आप इसे ऐसे भी कैरी कर सकते हैं पर यहाँ पर मैं स्लीव में थोड़ा पैटर्न देने वाली हूँ ताकि हमारा टॉप शोल्डर से स्लिप ना हो। तो आपको ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है टॉप को हाफ में फोल्ड करके एंड दोनों शोल्डर्स पे आपको मार्किंग कर देनी है, राइट साइड की तरफ आपको ये मार्किंग करनी है। फिर आप टॉप को ऊपर प्लेस करेंगे तो सेंटर की तरफ जहाँ आपने मार्किंग किया है वहाँ से मैंने 6 इंच लिया अपनी नेक से। 6 इंच के बाद नीचे की तरफ आपको 1-1 इंच पे मार्किंग लगानी है। तो आपने नेक से लिया 6 इंच एंड फिर उसी लाइन पे आपने 1-1 इंच नीचे की तरफ लिया दोनों साइड पे। तो इस तरह देखिए दिखेगा ये। फिर आपको एक प्लीट बनानी है जहाँ आपने मार्किंग की है वहाँ पर। तो क्योंकि हमने लिया था 1 इंच का कपड़ा इसलिए इसकी प्लीट बनेगी लगभग 1/2 इंच की। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटे छोटे प्लीट्स बना दिए हैं, इससे हमारे शोल्डर पे थोड़ा वेट एड ऑन हो जाएगा एंड फिर स्लिप नहीं होगा हमारा टॉप।
इन केस आप कोई लाइट फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो स्लिपिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये बटन्स यूज़ कर रही हूँ, इन बटन्स के जो होल्स हैं वो साइड्स के तरफ हैं, तो अगर आप बटन्स अवेलेबल नहीं हैं आप बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्लीट से लिया है निडल को, एंड फिर दूसरे बटन से लेकर के फिर मैं दूसरे प्लीट से पास कर रही हूँ। तो पहले आपने प्लीट्स को लेना है, फिर बटन को लेना है सेंटर में, एंड फिर दूसरे प्लीट से पास करना है। इस तरह हमारी जो प्लीट्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं हैंड स्टिच करके आपको दिखा रही हूँ, सेम मेथड आपको फॉलो करना है बीड्स के साथ अगर आप बीड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर बटन्स के साथ, एंड फिर इस तरह हमारे बटन्स फिक्स हो जाएंगे। दूसरे बटन को भी इसी तरह आपने अटैच कर देना है। तो इसी के साथ हमारे दोनों बटन्स अटैच हो गए हैं एंड टॉप रेडी हो गया है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये टॉप कैरी कैसे करना है। तो पहले हमारे जो फ्रंट साइड के स्ट्रैप्स हैं वो आपको बैक साइड लेके जाने हैं, एंड फिर आपको वो पीछे की तरफ टाई कर देने हैं। सिमिलरली आपको जो बैक स्ट्रैप्स हैं वो आपको फ्रंट साइड लेके आने हैं, एंड फ्रंट में एक बो नॉट टाई कर देना है। एंड दैट्स इट। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है इस टॉप को कैरी करना, एंड बहुत ही अच्छा लुक आया है। आप किसी भी डेनिम्स या फिर किसी स्कर्ट के साथ भी इसको पेयर कर सकते हैं, एंड आप स्लीव्स का भी पैटर्न देख सकते हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है ये। हमारी वी नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है, एंड हमारा क्रॉप टॉप बहुत ही जल्दी से 10 फिट पे रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आया हो मेक श्योर आप उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके, एंड बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली बहुत ही अमेजिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंड यस जरूर चेकआउट करिए मेरे पहले के अपलोड किए हुए वीडियोस को।